एक बाबा और उभरे हैं कानपुर देहात के। जादूगर जैसी वेशभूषा में ये हैं बाबा हरिओम महाराज, जो अमृत पानी से बीमारी और भूत प्रेत भगाने का दावा करते हैं। बाबा हरिओम महाराज देवराहट थाना क्षेत्र के चैन का पूर्वा गांव में बने शक्तिपीठ में बैठते हैं। यहीं लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। चाहे कैसा भी मर्ज हो, बाबा पानी में मंत्र फूंकते हैं और लौंग दे देते हैं। खुद ही देखिए। बच्चों क्या दिक्कत है? बच्चा सही होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे को मनोज पानी के अधिदान सरकार क्या माना था? कन्या मूल लगा दी, कन्या मूल लगा दी, कन्या मूल लगा दी, करा दिया। बोलो हरिदान सरकार की दया, ये बच्चा को बहुत बड़ी घाट हो गई थी, हरिदान सरकार के जल द्वारा आस्था और विश्वास के साथ विज्ञान में द्वंद्व चलता रहता है। विज्ञान जिन बातों को नहीं मानता, आस्था उन बातों को मानती है और कई बार ये आस्था विज्ञान पर हावी होती भी दिखाई पड़ती है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाल योगी हरिओम महाराज जी के आश्रम में। इस आश्रम में आने वाले तमाम लोगों का दावा है कि उनकी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण हुआ है, तमाम बीमारियों से उन्हें लाभ मिला है। यहाँ पर केवल पानी की बोतल से इलाज किया जाता है। बाबा जी पानी की बोतल पर एक मंत्र मारते हैं और अपने श्रद्धालुओं को, जो यहाँ पर आए हुए लोग होते हैं, उनको देते हैं, जो अपने कष्टों को लेकर के आते हैं। तमाम कष्टों का उनका निवारण होता है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनको फायदा हुआ है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं थी, किन समस्याओं को लेकर के वो यहाँ पर आए थे और इसके बाद किस तरीके से उनकी समस्या हल हो गई। वो बाबा जी को लेकर के क्या आस्था है उनके मन में और क्या मानते हैं कि जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाए, वहाँ आने से उनका इलाज कैसे हो गया। आप बताइए मैम कि क्या क्या किस वजह से आप यहाँ दरबार में आई और क्या समस्या आपकी दूर हुई? बच्चे के पेट में गांठी थी तो मतलब मनाती सब रहा। क्या क्या दिक्कत थी बच्चे को और क्या फायदा हुआ? बहुत पेट में गांठी थी, बहुत डबल। कानपुर दिखाया, झांसी दिखाया, कहीं आराम ही नहीं मिला। डॉक्टर ने ना ही कर दिया था, बोले कितने रुपए लगा दो, ठीक नहीं होगा, अब इसको घर पर जितने दिन करना सेवा करिए। तो एक जनों कानपुर में मिला, बोले भाई यार एक जगह और दिखा दो चैन के पुरवा। हमने ठीक है, हमारे गांव के बगले में पड़ता, तो हम आए फिर था महाराज जी के दर लेके। महाराज जी बोले जाओ तुम्हें 7 दिन में आराम मिल जाए। एक बार लेके आए, दो दफे लेके आए, ठीक हो गया पेट का पूरा सा। कैसे ठीक हुआ, कैसे इलाज कर दिया महाराज जी ने? बोतल से पानी और लौंग, बस पानी और लौंग आपको दिया, बेटे को पिलाते रहे, गांठ दूर हो गई। हाँ, गांठी बिल्कुल दूर हो गई। डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अब कुछ नहीं, वो तो दिखाने नहीं गए डॉक्टर के पास। हम और भी मरीज से मिले जो मानते हैं कि इसी अमृत जल से उनका रोग दूर हुआ है। हाँ भाई साहब आगे आ जाइए, ये बताइए क्या फायदा हुआ आपको? हमें कोई बिटिया को लेके आए थे, हम बिटिया को दिखाया और यही आराम मिला उसको, सब यहीं से आया। मतलब आपकी आस्था बढ़ गई दरबार में? वो तो बढ़ ही जाएगी आस्था, मतलब जब हमारी बेटी सही हो जाएगी तो हम तो आस्था बढ़ाएंगे। माता जी ये बताइए कि यहाँ दरबार में आने से क्या फायदा आपको मिला है? हमें बहुत कुछ फायदा हुआ, हम चल नहीं पाते थे, जरा सा चलती रहा दुर्दग हाफन लगती रहा, सीने में हमारे दर्द होने लगता था। यहाँ आने से हमें फायदा मिला है कि हम मतलब चल लेते हैं है? और हमें सब भाई फायदा कोई वो नहीं है। अब से कैसे इलाज हुआ आपका, इलाज कैसे हो गया? अरे हमारे बोन टीबी थी, हम 18 महीना में तखत में लेटी रही रान है, और हमारा इलाज चलता रहा। उसके बाद फालिस मार गए, दुनियादारी समझो, जब तक करोना तब तक बीमार है चलती रही। फायदा कैसे हुआ? यहाँ आने से मैं फायदा हुआ, ना कोई दवा खाते, शुगर अपना का बीपी अपना का, आए तो मर्ज ना हो, ये जो मैं ना हुई गया हो। न्यूज स्टेट ने बाबा हरिओम महाराज से भी जानना चाहा कि आखिर कैसे पानी से होता है मरीजों का इलाज। कानपुर देहात के देवराहट क्षेत्र में बाल योगी हरिओम महाराज का दरबार लगता है। दावा है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों पर कृपा होती है, तमाम असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है। बाबा जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से संभव होता है, कैसे वो भक्तों का इलाज करते हैं। बाबा जी ये बताइए कि किस, जैसे मैंने आपको देखा कि आप तमाम लोगों को पानी पड़ करके दे देते हैं, दावा ये है कि तमाम लोगों के असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है, कैसे संभव है ये बात? यहाँ हो जाती है कि जल लौंग ही माता रानी का आज शक्ति का यहाँ अवतार है, इनका जल लौंग का ही महत्व है यहाँ, और जल लौंग ही यहाँ का अमृत है जो हरिधाम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये जल के द्वारा हमारा दावा दिया जाता है, जो भी जल हमारा लौंग पाएगा वो जीवन दान पाएगा। जो हमारे जहाँ पे हमारे डॉक्टर बंधु जवाब दे देते हैं, वहीं पर हरिधाम सरकार में आकर
उनको जीवन दान प्राप्त होता है। बाबा ने पिछले 4-5 सालों में यहाँ आश्रम बनाया है, जबकि पहले से वो अपने घर पर ही दरबार लगाते थे। इस दरबार में दूर दूर से लोग आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं, बाबा का फूका हुआ पानी लेकर जाते हैं। अब देखिए चंदौली में एक बाबा को जो भूत के नाम से मशहूर हैं, जो भूत बाबा के नाम से मशहूर हैं, इनकी वेबसाइट भी है और ये ऑनलाइन भूत का इलाज भी करते हैं।